चटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्यलम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकां तमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकारचण्डताण्डवं तनोतु नः शिव शिव जटाकटाह संभ्रम भ्रम निलिंब निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणं मम धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु पुरदिगंत संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदी क्वचित् दिगंबरे मनो विनोदमेतु वस्तुनी जटा भुजंग पिंगल स्फुरत् प्रणामणि प्रभा कदंब कुंकुम द्रव प्रलिप्त दिग्वधूमुखे मदांध सिंधुर स्फुरत्वगुत्तरीय मेदुरे मनो विनोदमद्भुतं बिभर्तु भूत भर्तरी शेषलेख शेखर प्रसून धूलिधोरणी विधूसराघ्रिपीठभू भुजङ्गराजमालया निबद्ध जाट जूतक श्रियै चिराय जायतां चकोर बन्धुशेखर ललाट चत्वरज्ज्वल धनञ्जय स्फुलिङ्गभानि पीत पञ्चसायकं नमन्निलिम्प नायकं सुधामयूखलेखया विराजमान शेखरं महाकपालि संपदे शिरोजटालमस्तु कुंभ पर्व हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है जिसमें लाखों करोड़ों श्रद्धालु कुंभ पर्व स्थल हरिद्वार प्रयाग उज्जैन और नासिक में स्नान करते हैं। इनमें से प्रत्येक स्थान पर प्रति 12 वर्ष महाकुंभ यानी पूर्ण कुंभ का आयोजन किया जाता है। इसके अलावा कुंभ का पर्व चार हिस्सों में बटा हुआ है। जैसे कि अगर पहला कुंभ हरिद्वार में होता है तो उसके ठीक 3 साल बाद दूसरा कुंभ प्रयाग में, फिर तीसरा कुंभ 3 साल बाद उज्जैन में और फिर 3 साल बाद चौथा कुंभ नासिक में होता है। ठीक इसी तरह जब 4 कुंभ पर्व को मिलाकर 12 वर्ष पूर्ण हो जाते हैं तब महाकुंभ यानी पूर्ण कुंभ मनाया जाता है जो कि 12 वर्षों में एक बार होता है। इसके अलावा हरिद्वार और प्रयाग में 2 कुंभ पर्वों के बीच 6 वर्ष के अंतराल में अर्धकुंभ भी मनाया जाता है और आखिरी अर्धकुंभ 2016 में हरिद्वार में आयोजित किया गया था। पर क्या आपको पता है कि आखिर महाकुंभ पर्व का आयोजन प्रत्येक 12 वर्षों में हरिद्वार प्रयाग उज्जैन और नासिक में ही क्यों किया जाता है? आखिर क्यों इतनी भारी मात्रा में नागा साधु सन्यासी और श्रद्धालु इस कुंभ के पावन पर्व पर पवित्र जल में डुबकी लगाते हैं? आखिर क्या लिखा है पुराणों में कुंभ पर्व के बारे में? इन सारी बातों पर आज हम आपसे इस वीडियो में चर्चा करेंगे। कुंभ मेला एक ऐसा पर्व है यानी त्योहार है जिसे अगर कोई अपनी अगर आंखों से ना देख ले वो नहीं समझ सकता। इसका महत्व और इस मेले का उल्लास वही समझ सकता है जिसने खुद कुंभ के अद्भुत और पवित्र वातावरण को प्रत्यक्ष देखा और महसूस किया है। कुंभ के पावन पर्व पर चारों ओर श्रद्धालुओं की भीड़, साधु विद्वान ऋषि मुनि और श्रद्धालु जन कुंभ मेले के दौरान पवित्र जल में डुबकी लगाकर खुद को पवित्र करते हैं। कहते हैं कि आज के लोगों के लिए कुंभ मेला वह है जहां जाकर वे पवित्र जल में डुबकी लगाते हैं और पापों से मुक्ति की प्रार्थना करते हैं और चाहते हैं कि भगवान उन्हें मोक्ष प्रदान करे। पर कुंभ का महत्व सिर्फ यही तक सीमित नहीं है। चलिए अब बात करते हैं कुंभ पर्व के इतिहास के बारे में कि आखिर कुंभ की शुरुआत क्यों हुई
और ये सिर्फ हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक में ही क्यों मनाया जाता है? ये कहानी समुद्र मंथन से जुड़ी है। कहते हैं कि महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण जब इंद्र और अन्य देवता कमजोर पड़ गए तो दैत्यों ने देवताओं पर आक्रमण कर उन्हें परास्त कर दिया था। तब सब देवता मिलकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उन्हें सारा वितरांत सुनाया। तब भगवान विष्णु ने उन्हें दैत्यों के साथ मिलकर क्षीर सागर का मंथन करके अमृत निकालने की सलाह दी। भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर संपूर्ण देवता दैत्यों के साथ संधि करके अमृत निकालने के यत्न में लग गए। अमृत कुंभ के निकलते ही देवताओं के इशारे से इंद्रपुत्र जयंत अमृत कलश को लेकर आकाश में उड़ गया। उसके बाद दैत्य गुरु शुक्राचार्य के आदेश अनुसार दैत्यों ने अमृत को वापस लाने के लिए जयंत का पीछा किया और घोर परिश्रम के बाद उन्होंने बीच रास्ते में ही जयंत को पकड़ा। उसके बाद अमृत कलश पर अधिकार जमाने के लिए देव और दानवों में 12 दिन तक नियंत्रण युद्ध होता रहा। कहते हैं कि इस युद्ध के दौरान पृथ्वी के 4 स्थानों पर कलश से अमृत बूंदें गिरी थी, जिनमें से पहली बूंद प्रयाग में गिरी तो दूसरी शिव के नगरी हरिद्वार में, इसके बाद तीसरी बूंद उज्जैन में तो चौथी बूंद नासिक में जा गिरी। यही कारण है कि कुंभ के मेले को इन्हीं 4 स्थानों पर मनाया जाता है। देवताओं के 12 दिन मनुष्यों के 12 वर्ष के तुल्य होते हैं, अतः कुंभ भी 12 होते हैं। उनमें से 4 कुंभ पृथ्वी पर होते हैं और शेष 8 कुंभ देवलोक में होते हैं, जिन्हें देवगण ही प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब ज्योतिष के अनुसार जानते हैं कि आखिर कुंभ पर्व के आयोजन की तिथि और जगह कैसे निर्धारित की जाती है। कहते हैं कि कुंभ मेले में सूर्य एवं बृहस्पति का खास योगदान माना जाता है। सूर्य देव एवं गुरु बृहस्पति जब एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं तभी कुंभ मेले को मनाने का स्थान एवं तिथि का चुनाव किया जाता है। तो इसी के अनुसार जब सूर्य मेष राशि और बृहस्पति कुंभ राशि में आता है तब यह मेला हरिद्वार में मनाया जाता है। जब बृहस्पति वृषभ राशि में प्रवेश करता है और सूर्य मकर राशि में होता है तो यह उत्सव प्रयाग में मनाया जाता है। जब बृहस्पति और सूर्य का सिंह राशि में प्रवेश होता है तो यह महान कुंभ मेला महाराष्ट्र के नासिक में मनाया जाता है। इसके अलावा यदि बृहस्पति, सूर्य एवं चंद्रमा तीनों कर्क राशि में प्रवेश करें और साथ ही अमावस्या का दिन हो तब भी कुंभ नासिक में मनाया जाता है। अंत में कुंभ मेला उज्जैन में तब मनाया जाता है जब बृहस्पति सिंह राशि में प्रवेश करे और सूर्य देव मेष राशि में प्रवेश कर रहे हो। सूर्य देव का सिंह राशि में प्रवेश होने के कारण मध्य प्रदेश के उज्जैन में मनाया जाने वाला कुंभ सिंहस्त कुंभ कहलाता है। पिछला सिंहस्त कुंभ अप्रैल 2016 में आयोजित किया गया था। यह पर्व 12 वर्ष पश्चात उज्जैन की भूमि पर मनाया गया। पौराणिक कथाओं के अनुसार अमृत कलश से जो 4 बूंदे धरती पर गिरी थी वह नदी ने रूप ले लिया। यह 4 पवित्र नदियां हैं, हरिद्वार में गंगा, नासिक में गोदावरी, इलाहाबाद में संगम यानी गंगा, यमुना और सरस्वती, और उज्जैन में शिप्रा नदी। शिप्रा नदी की भी अपनी महिमा एवं महत्व है। गंगा, यमुना एवं सरस्वती जैसी महान नदियों की तरह शिप्रा नदी भी महान है। शिप्रा नदी को पहाड़ों से बहने वाली नदी कहा जाता है, लेकिन मान्यता अनुसार यह नदी धरती के कोख से जन्मी थी। कहते हैं कि इस नदी का जल इतना पवित्र है कि इसमें स्नान करने वाले लोगों के सभी कष्ट और दुख दूर हो जाते हैं और जीवन में खुशहाली आती है। स्कंद पुराण में यह उल्लेख मिलता है कि भारत की सभी पवित्र नदियां उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है, लेकिन शिप्रा नदी एक ऐसी नदी है जो उत्तरगामी है, यानी कि उत्तर दिशा की ओर बहने वाली नदी। यह नदी आगे चलकर चंबल उपनदी में मिल जाती है। कुर्मा पुराण के अनुसार इस कुंभ उत्सव में स्नान करने से सभी पापों का विनाश होता है और मनोवांछित फल प्राप्त होता है। यहाँ स्नान से देवलोक भी प्राप्त होता है। भविष्य पुराण के अनुसार कुंभ स्नान से पुण्य स्वस्वरूप स्वर्ग मिलता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अपने जीवन काल में एक बार कुंभ स्नान जरूर कीजिएगा। अगर आपने कुंभ पर्व जैसे पवित्र त्योहार में हिस्सा लिया है तो अपने अनुभव हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा।